हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी सीएचएसएल 2022 का रिजल्ट टीयर वन का आ चुका है, अनाउंस कर दिया गया है। और रिजल्ट में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी लोग आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा। जो लोग भी इस बार सीजीएल टीयर टू का एग्जाम दिए थे, सीएचएसएल टीयर टू का एग्जाम दिए थे, उनके लिए वीडियो है। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2023 की, तो उनके लिए भी आपको कुछ यहाँ पे मैं सजेशन बताऊंगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए, ये रिजल्ट है जिसमें लिखा गया कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अच्छा, यहाँ पे आपका अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो 30% दिया गया है। अगर यहाँ पे देखें तो कैटेगरी वाइज टीयर टू मार्क्स यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है, जो 157 मार्क्स है, 147.72, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की, जो कि लिस्ट टीयर टू के लिए जो आपके बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए है। और अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे 135 एससी, 125 एसटी, ओबीसी की 153 दशमलव, आपका यहाँ पे देख रहे हो कि 153.25, EWS 151, यानी कि लगभग 150 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो बच्चे 150 प्लस चली गई। 40,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, 40,224 बच्चों को, ठीक है। ये आपकी लिस्ट पूरी दे दी गई है बच्चे। आप यहाँ पे जो कट ऑफ है ना, बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे हमने उम्मीद की थी कि भाई जो आपका एग्ज़ाम इस बार हो रहा है प्री का, क्वालिफाई जिस हिसाब से किया गया है, क्वालिफाइंग नेचर का जो किया गया है, वो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ आपको यहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आपसे कट ऑफ गई है, ये प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ था और ऐसा लग रहा था, उम्मीद यही थी कि 147-148 या 147-150 के बीच में कट ऑफ रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई चली गई है बच्चे। देखो, यहाँ पे 9 मार्च से लेके 21 मार्च तक के बीच में पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है आज, यानी 19 मई को, ठीक है। अगर हम नीचे आए बच्चों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज़ यहाँ पे हुई है, 157 देख रहे हैं आप, 157 में जिसमें 5,496 कैंडिडेट पास आउट हुए, ठीक है। और यहाँ पे 12,960 कैंडिडेट पास आउट हुए हैं ओबीसी में, ठीक है। ओबीसी की कैटेगरी में अच्छे खासे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे पास किए गए हैं। EWS में भी अगर हम देखें तो 7,132 कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे पास किए गए, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, कहाँ गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, हाँ। तो ये जो कट ऑफ है इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो लोग सीएचएसएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनको अब क्या करना है, अब आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, जो कट ऑफ है इसको देख के तो बहुत सारे लोग ऐसे सोच में पड़ गए होंगे, उसके कई सारे रीज़न हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोग उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके रीज़न कई सारे हैं। वो क्या है रीज़न, देखिए सबसे पहला रीज़न जो है वो वैकेंसी की का है, क्योंकि वैकेंसी जो है आपकी बहुत कम है। ये 4500 वैकेंसी जो थी, ये बच्चे इसके लिए फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हुआ था, और टीयर वन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। साथ ही टीयर टू का जो एग्ज़ाम है उसमें कम बच्चे पार्टिसिपेट करें, कम बच्चे बैठें, ताकि क्योंकि टीयर टू के बाद अब जो टेस्ट वगैरह है इसे एक ही साथ होना है, तो टीयर टू के बाद अगर आपका जो टाइपिंग है, अगर आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, तो ये सब साथ ही में हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को कम रखना था। तो ये एक रीज़न रहा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती बच्चे, तो यहाँ पे जो जैसे पेपर का लेवल भी डिपेंड करता है, दूसरा रीज़न पेपर का लेवल डिपेंड करता है। और तीसरा रीज़न बच्चे, पेपर का लेवल जो हम लोगों ने देखा था ना, तो बहुत ज़्यादा ईजी देखने के लिए मिला था, ठीक है। ईजी शिफ्ट में ही थे सारे शिफ्ट, हम लोगों ने जो देखे थे मैक्सिमम ईजी बताए बच्चों ने। और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, उसने थोड़ा सा यहाँ पे चकमा दिया। जैसे आपने सीजीएल में देखा, सीजीएल 2022 में आपने देखा मेंस का जब रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, तो उसमें आपने देखा कि जो कट ऑफ है बहुत हाई चली गई थी, 292 के करीब बच्चे आपकी पीएसए की जॉब मिली थी बच्चों को, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 320 थे फिर भी पीएसए नहीं पाए, और कंप्यूटर में इनका कम कम मार्क्स था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक पूरा का पूरा डाटा हमारे सामने खुल के आता है, तो आपको यहाँ पे हाई कट ऑफ देखने के लिए ही मिलेगी। सीजीएल 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी एक सोच के चलें, क्योंकि इस बार आपकी कट ऑफ जो है हाई होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात समझ में आ रही है। और अगर बच्चे हम बात करें कि आपका सीएचएसएल की बात, 1600 जो वैकेंसी आई है इसमें भी आपकी कट ऑफ हाई होने वाली है, तो इसलिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, बहुत मन से अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन
आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, ठीक है। बाकी अगर आप सीएसएसएल 2023 टारगेट कर रहे हैं, सीएसएसएल का रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, मेन साइट पे आ चुका है, सभी लोग अपना पूरा डिटेल उनका दे दिया गया होगा, पिता का नाम और उनका रोल नंबर, साथ ही में उनका नाम दे दिया गया होगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन लोगों को बधाई हो, और टीयर टू के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीयर टू का भी रिजल्ट आ टीयर टू का भी डेट आ चुका है, तो आप लोग टीयर टू की तैयारी करते रहिए, ठीक है भाई। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो PMYT कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, या फिर CPO की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही में आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। ये PDF का जो नोट्स है बच्चे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए आप अपने रिवाइज़ के तौर पर रख सकते हैं और अपनी तैयारी अपने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सभी लोग जो तैयारी कर रहे थे, जिन लोगों का टीयर टू क्वालिफाई हो चुका है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, और टीयर टू की तैयारी आप बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। टीयर वन अगर क्वालिफाई आपका हो गया है तो टीयर टू की तैयारी आप करते रहिए, और इस बार फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से आप सभी लोगों के टीयर वन क्वालिफाइंग करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।